नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं सच्चाई जानने के लिए, सीधी बात कर रहे हैं लोगों से, सूत्रों के हवाले से कोई खबर नहीं दे रहे आपको। हम बात कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, बाबा राम रहीम जी के बारे में। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एक परिवार है, उनसे भी जानते हैं इन लोगों का क्या कहना है। आज जो इतने सवाल लोगों के माइंड में चल रहे हैं उनके बारे में ही कि लोग क्या कहना चाहते हैं। पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम? कुलजीत सिंह जी। जसप्रीत कौर। आप लोग कितने समय से जुड़े हो बाबा राम रहीम जी से? 20 साल से ज़्यादा हो गए। अच्छा, 20 सालों से आप लोग जुड़े हुए हो, आपका क्या कहना है? पूरी फैमिली जाती है आपकी? हाँ हाँ, पूरी हमारे पिताजी जाते हैं, हम भी सभी जिसका भी जितना जब टाइम लगता है कभी कभी जाते हैं सर। आपको क्या लगता है कितनी सेफ्टी लड़कियों के लिए वहाँ होती है? वहाँ पर बहुत सेफ्टी है, बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल में उनके लिए और जो सेवा करते हैं सभी के लिए अलग अलग है। बैठने का रहने का प्रबंध है, लड़कियों का अलग स्कूल है, लड़कों का अलग है। जो मीडिया में देखी है बातें वो देखकर हमें भी हैरानी होती है, क्या क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मसाले लगा के। जी हमारी बेटी 14 साल से वहाँ थी, हम जब भी जाते थे इतनी सिक्योरिटी थी, बच्चे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते थे बिल्कुल भी। हमने देखा बच्चे बिल्कुल, अगर गेम खेलने के लिए जाते थे तब भी उनके साथ जाते थे, कभी इनको अकेले बाहर नहीं देखा था। हम जब जाते थे तो हमारा आई कार्ड देख के ही हम बच्चों को मिलते थे, बाहर जाने का तो इनको मतलब ही नहीं था अभी अकेले में कभी गई हूँ। तो आपकी बेटी 14 साल वहाँ पे पढ़ी है बाबा राम रहीम जी के स्कूल कॉलेज में, तो इतने समय में कभी उसने ऐसा कुछ नहीं बताया जो मीडिया ने दिखाया? कभी भी नहीं, ये तो आज तक भी कहती है जो हमें वहाँ पर मिला है, किसी और हॉस्टल में या स्कूल में कभी ऐसा प्यार ही नहीं मिला या कुछ भी, खाना भी सारा कुछ सबसे बढ़िया होता था। हम अभी भी जाते हैं, कोई भी भंडारा हो कुछ भी हम जाते रहते हैं। तो आज कितना विश्वास कर रहे हो आप बाबा राम रहीम जी पर? 100% हमें पूरा विश्वास है, वो मानवता भलाई के कार्य हैं, ये 100 से ज़्यादा हैं, वो सभी कार्य बहुत बढ़िया हैं। नशा छुड़ाया और जो अपना प्लांटेशन, हाँ प्लांटेशन बढ़ता ही रहेगा, बस करेंगे। जैसे कोई पचाल वगैरह आफत आती है उसमें भी सेवादार कितने बढ़ चढ़ के वो सेवा करते हैं, फिर भी उनको टीवी में बोला नहीं जाता, किसी ने कभी नहीं बोला कि लाखों लोगों ने जाके दिल्ली में और शहरों में कितने सफाई की है। अगर और कोई संस्था होती दो 5-10 हज़ार भी खड़े होते तो उसको तो बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, ये लाखों लोगों को भी नहीं कभी दिखाया हैगा। हमें ये देख के महसूस होता है भी एक इसमें कोई है कोई चक्कर जो, हाँ इतना बढ़िया काम नहीं दिखा रहे। और जो हल्का सा डेरे का कोई भी छोटी सी बात होती है उसको जो उसके अपोजिट होती है वो पूरा बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जो वहाँ आपकी बेटी पढ़ रही थी उसके बारे में आपने बताया। देखिए ये वो फैमिली है जिनकी बेटी 14 साल तक बाबा राम रहीम जी का जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पर उसने स्टडी किया है। इन्होंने बताया कि हमारी बेटी आज तक भी यही बोलती है कि वहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित थे हम लोग, बिल्कुल झूठ व गलत दिखाया मीडिया ने। आप लोग सोचिए, वेल एजुकेटेड फैमिलीज़, अच्छी फैमिलीज़ में हम जा रहे हैं, अच्छे लोग ये तक बता रहे हैं कि हमारे बच्चे वहाँ पर सुरक्षित हैं, तो मीडिया ने आखिर कौन से सूत्र थे यहाँ से उन्होंने खबरें दिखाई लोगों के बीच में परोसी। आप लोग सोचिए आप लोगों की क्या राय है इन लोगों के बारे में जो अपना सच आपको बताना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। जुड़े रहिए और सच्ची बातें जानने के लिए द फैक्ट टाइम के साथ।